हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने हाथ और पैरों की त्वचा की देखभाल घर पर ही इजीली कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना कुछ खर्चा किए। जो भी आपके पास घर में मौजूद है प्रोडक्ट्स, उनकी हेल्प से आप अपने हाथ और पैरों की त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं पार्लर में हर महीने जाऊं और इतने महंगे महंगे पेडिक्योर और मैनिक्योर लूं। तो मैं अपनी त्वचा की देखभाल इन्हीं प्रोडक्ट्स की हेल्प से करती हूं। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने हाथ और पैरों की त्वचा की देखभाल के लिए किन किन प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, और ये प्रोडक्ट्स आपको आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और गाइस, अगर आपके पास सेम प्रोडक्ट्स नहीं है, मतलब कि सेम ब्रांड के नहीं है, तो डोंट वरी, आपके पास जो भी ब्रांड के हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए हम इसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ VLCC की इंस्टा ग्लो ब्लीच। और गाइज, अगर आपके पास किसी और अदर ब्रांड्स की ब्लीच है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ब्लीच को चूज करना है, जो भी आपको सूट करती हो वही आपने चूज करनी है ब्लीच। अगर आपके पास अदर ब्रांड्स की है तो वो भी आप ले सकते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर ब्लीच करूंगी अपने हाथ और पैरों पर। तो मैं यहाँ पर इस नेल स्ट्रिप की हेल्प से अपने नेल पेंट को रिमूव कर लेती हूँ। तो यहां पर मैंने अपने नेल पेंट को रिमूव कर लिया है, और अब मैं ले रही हूँ गर्म पानी में, एक मैंने ये टावल को डिप कर लिया था, और इसे मैं अपनी त्वचा को साफ कर लूंगी इस टावल की हेल्प से। और ऐसा करने से मेरी पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, और मेरे जो पैरों की गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज आप बकेट में पानी लेकर भी कर सकते हैं अपने पैरों को डिप कर कर। तो ये देखिए, मैंने अपने हाथों को भी क्लीन कर लिया है इस टावल की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने नेल को फाइल कर रही हूँ, यानी कि अपनी नेल्स की शेप बना रही हूँ। और ये देखिए, अच्छे से आप अपने नेल्स को शेप दे दीजिए। और ये स्टेप भी अगर आप एंड में करना चाहते हैं तो आप एंड में कर सकते हैं, मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कर रही हूँ, ताकि जो भी गंदगी निकलेगी नाखूनों से वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और अब मैं अपने हाथों के नेल्स की भी शेप दे दूंगी। वैसे मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही कट किए हैं, तो जस्ट मैं थोड़ी सी इनकी शेप बना लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये क्यूटिकल्स टूल ले रही हूँ। ये क्यूटिकल्स रिमूव करने के लिए होता है टूल, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। नेल्स जो नेल कटर आता है उनमें भी ये बने होते हैं। तो ये देखिए, ये नेल फाइलर होता है, तो इसके पीछे भी ये टूल बना हुआ आता है, तो इसकी हेल्प से भी आप अपने जो नाखूनों में गंदगी फंसी होती है उसे भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वेगा का है, मेरे पास दो टूल हैं, तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ यहाँ पर। और इसकी हेल्प से मैं अपने नेल्स में जितनी भी मेरी गंदगी जमा हो गई है उसे क्लीन कर लूँगी। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप इसीलिए कर दिखा रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और अच्छे से आपको समझ में आ जाए स्टेप कि हम किस तरीके से अपने हाथ और पैरों की सफाई घर पर भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमें अपने हाथ और पैरों की सफाई की अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है अपनी सफाई के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चेहरे की सफाई के साथ साथ हमें हाथ और पैरों की और अदर बॉडी पार्ट्स की भी सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यही ऐसी चीज़ें होती हैं पैरों पर हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और मैं भी अक्सर अपने पैरों की और हाथों की सफाई इस तरीके से ही करती हूँ, और मैं वीक में एक बार करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल सकूँ इसके लिए। तो यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है VLCC इंस्टा ग्लो ब्लीच। मैं इसे अब अपने हाथ और पैरों पर अच्छे से लगा लूंगी, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब हम ब्लीच को मिक्स कर लेते हैं। और गाइज, अगर आपने मेरा VLCC ब्लीच का रिव्यू अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी वो अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। और ब्लीच की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली घटा बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं यहां पर 3 स्पून ले रही हूं, दैट्स इट। और ये देखिए, इसमें एक्टिवेटर काफी थोड़ा है, ये देखिए, तो मैं इसे सारा ही डाल रही हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब भी आप ब्लीच करें तो आपके हाथ और पैरों पर नेल पेंट नहीं लगा होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा आप अपने नेल पेंट्स को साफ कर लीजिए। तो
तो देखिए ब्लीच तैयार है, अब मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ अपने हाथों और पैरों पर। और इस ब्लीच को आपने सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं। और इस ब्लीच को करने से पहले गाइस एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको सूट करती है तभी आप ब्लीच कीजिए, अदरवाइज आप नहीं कीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने नेल पेंट को साफ कर लिया है, हो सकता है लाइट का आपको थोड़ा सा इश्यू लगे बट इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मैंने अपने पैरों पर अच्छे से ब्लीच लगा ली है, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं बट ब्रश में लगाने से क्या होता है कि ब्लीच जो होती है काफी वेस्ट हो जाती है, तो मैं इसलिए यहां पर हाथों की हेल्प से ही लगा रही हूं। ये देखिए अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही लगा रही हूं मैं यहां पर। अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने लगा लिया है और अब मैं अपने दूसरे पैर पर भी लगा लूंगी और साथ ही साथ अपने हाथों पर भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पैरों पर लगा लिया है। तो ये देखिए मैंने अपने हाथ और पैरों को वॉश कर लिया है अच्छे से, फर्क आप देख सकते हैं कि सारी डेड स्किन सेल्स जितने भी थे वो रिमूव हो गए हैं। सेकंड यहां पर ऑप्शन है एवर यूथ का स्क्रब, ये वॉलनट स्क्रब है, और अगर आपके पास कोई और स्क्रब हो या आपके पास जो फेशियल किट में स्क्रब आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इससे अपने हाथ और पैरों पर अच्छे से स्क्रब कर लूंगी। तो इसे आपने 2 से 3 मिनट तक स्क्रब कर लीजिए, अब मैं इसे स्पॉन्ज की हेल्प से क्लीन कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं एश्योर फेशियल मसाज क्रीम ले रही हूं। गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोडक्ट अगर आप अपने फेस पर लगा सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसे अपने बॉडी के पार्ट्स पर भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने हाथ और पैरों पर भी लगा सकते हैं, अपनी नेक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हाथ और पैरों के लिए आपको अलग से ही प्रोडक्ट लेनी है या खरीदनी है, परचेज करनी है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। थर्ड हमारे स्टेप में होगा एश्योर मसाज क्रीम। इन सभी स्टेप को आप 3 से 4 मिनट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूं सबसे एंड में यहां पर पैक लगा रही हूं जो कि ब्लीच के साथ मुझे मिला था। और जब आपके पैर सूख जाए तो आप नॉर्मल वाटर से अपने पैरों को वॉश कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है, ब्लीच सारी साफ कर ली है और अब मैं अपने हाथों पर स्क्रब कर लूंगी, वो भी 2 से 3 मिनट तक। और डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना क्लीन लग रहे हैं मेरे हाथ, आप देख सकते हैं। और एंड में मैं ये फेस पैक लगा लूंगी अपने हाथों पर। तो यहां पर मैंने अपने हाथों और पैरों को जो भी फेस पैक वगैरह लगाया था वो सूख चुका है और अच्छे से धो लिए हैं मैंने अपने पैरों को, अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं अपने नेल पेंट लगा रही हूँ पैरों पर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चमक आई है हाथ और पैरों पर और बहुत ही सॉफ्ट लग रही है मेरी स्किन, मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है छूने पर और बहुत ही क्लीन हो गए हैं हाथ और पैर। और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है ना गाइज कि जब हमारे हाथ और पैर इतने क्लीन हो जाते हैं तो खुद को भी बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है और रात को एक बहुत अच्छी नींद भी आती है। अगर आपके हाथ पैर साफ होते हैं ना तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि कितना ईजी होता है अपने हाथ और पैरों की त्वचा की देखभाल घर पर ही आप इजिली कैसे कर सकते हैं, कितना आसान होता है, बस थोड़ा सा हमें अपना कीमती वक्त निकालना होता है, राइट। तो आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और गाइज ये बिल्कुल फ्री है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो मैं मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।